हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट। मेरा नाम है अर्पित। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस कंस्ट्रेन मोशन के बारे में, है कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं कई सारे ऐसे आपके जेई और नीट के लिए इंट्रैक्टिव वीडियोज डालता रहता हूँ। ओके सर, तो ओके स्टूडेंट्स, आज आगे बढ़ते हैं हम कंस्ट्रेन मोशन के साथ। तो कंस्ट्रेन मोशन क्या होता है एक्चुअली? तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने इस टाइप के कई सारे फिगर्स देख रखे होंगे यार। ये पुली वुली लगी रहती है, ऐसा कोई थ्रेड वेड बना रहता है, और वो पार्टिकल जो है या फिर ब्लॉक्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि भाई एक की वेलोसिटी इवन दूसरे की बता दो। तो अब वो कई सारे टाइप के हो सकते हैं, मैंने पीछे कुछ टाइप्स बना रखे हैं, है कि नहीं। तो उनमें से आज जो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो होने वाला है कौन सा? एक तो जब हमारे पास पुली और फिक्स्ड स्ट्रिंग होगी, मतलब स्ट्रिंग और पुली फिक्स्ड होंगे, और दूसरा केस है जब हमारे पास पुली मूविंग होगी, जब पुली भी हिल रही होगी, है ना। और वेज वगैरह के केस और होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे कंस्ट्रेंट मोशन के साथ। तो मेनली गाइस जो उसमें टाइप्स होते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में, जो पहला टाइप होता है वो होता है गाइस जब हमारे पास स्ट्रिंग जो होती है हमारी, जो रस्सी से कनेक्टेड है, वो फिक्स्ड है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यार कंस्ट्रेन मोशन होता क्या है। कंस्ट्रेन मतलब गाइस, कंस्ट्रेन मतलब जैसे आपने किसी से पूछा कि यार ये काम करेगा क्या, तो वो बोलता है नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता। तो आप पूछोगे यार दिक्कत क्या है, है कि नहीं। तो दिक्कत क्या है उसी को इंग्लिश में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, तो वो आप पूछोगे उससे कि भाई कंस्ट्रेन क्या है, क्यों नहीं कर रहा है तू ये काम। तो बोलेगा कि यार नहीं भाई, मुझे यहाँ पे जाना रहता है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे मैं नहीं आ पाऊंगा मिलने। ये कंस्ट्रेन है मेरा कि इस टाइम पे मेरी वहाँ पे क्लास रहती है, तो मैं तुझसे मिलने वहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। दिक्कत क्या है, कंस्ट्रेन क्या है जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर दूसरा काम नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे पास मैकेनिक्स में जो कंस्ट्रेन होता है गाइस, उसमें क्या मतलब होता है कंस्ट्रेन? मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो बंदे हैं, आप और आपका एक दोस्त है, आप दोनों को रस्सी से बांध दिया गया साथ में। तो ऑब्वियसली अगर आप आगे जाओगे तो उसको ना चाहते हुए भी आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक रस्सी से बंधे हुए, या फिर हथकड़ी से, एक सेम हथकड़ी से दो चोरों को बांध दिया गया। तो एक अगर आगे जा रहा है तो दूसरे को आगे जाना ही पड़ेगा, ये कंस्ट्रेन हो गया, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल में दे सकता हूँ कि आप यही ले लीजिए, एक ब्लॉक था वो दूसरे ब्लॉक से एक रस्सी से बना हुआ है, तो एक जाएगा तो दूसरे को ऑटोमेटिक जाना ही पड़ेगा, और अगर दूसरा नहीं जाएगा तो पहला वाला भी नहीं जा पाएगा। तो गाइस जब दो ब्लॉक या दो चीज़ें कुछ ऐसे संबंध में फंस जाती हैं कि वो एक दूसरे के बिना निकल ही नहीं सकती, वैसा मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर उस चीज़ को हम बोलते हैं कंस्ट्रेन, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला टाइप है हमारे पास गाइस फिक्स स्ट्रिंग एंड पुली टाइप। फिक्स स्ट्रिंग मतलब देखिए, आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें दो ब्लॉक दिख रहे हैं ए और बी। मैंने मान लिया कि यार बी ब्लॉक जा रहा है विथ वेलोसिटी वी बी इधर, तो हमसे पूछा कि भाई वी ए की वेलोसिटी बता दो। तो बहुत सिंपल है, अगर ये आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसको भी आगे कितने से जाना पड़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि एक ये रस्सी से बने हुए हैं। अब इसमें हम अजम्पशन क्या मान लेते हैं, अजम्पशन ये मान लेते हैं कि ये जो रस्सी है इससे बनी, ये इनएक्सटेंसिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि दो लोग एक खींच के जा रहे हैं तो रस्सी खींचती रहे, नहीं, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी की लेंथ अगर एल है तो एल ही रहेगी, वो बड़ी नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये एग्जम्पशन है यहाँ पे। तो अगर ये वी से जा रहा है तो ये भी कितने से आएगा? v b से ही जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, v a बराबर v b हमारे पास हो जाएगा, है कि नहीं। अगले केस पे आते हैं, अगला केस है हमारे पास ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे a ब्लॉक है, b ब्लॉक है, दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड है, एक पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, है ना, पुली बस फिक्स्ड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, a नीचे आ रहा है, v b आगे जा रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर रस्सी सेम है, तो अगर ये वी ए से नीचे जा रहा है तो एग्जैक्टली इसको भी वी बी से आगे जा रहा है। तो एग्जैक्टली अगर मान लेता हूँ ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो उसको भी आगे कितने से जाना पड़ेगा गाइस? 3 मीटर पर सेकंड से ही जाना पड़ेगा। ये तो हम कॉमन सेंस से फील करके बता सकते हैं, है कि नहीं। अब आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केस पे, थर्ड वाले केस पे, जिसमें हम यार एक्चुअली डायरेक्ट नहीं बोल सकते क्या हो रहा है, हम देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि यार एक ब्लॉक है ए जो कि 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, एक ब्लॉक है बी जो कि कुछ वेलोसिटी वी बी से आगे जा रहा है। तो हमें ऑब्वियसली क्वेश्चन में वी बी बताना है, और ये जो एंगल है रस्सी के और ब्लॉक के बीच में 37 डिग्री का गिवन है। अब आपको इसमें क्या करना होता है गाइस, हमें एक मान लेता हूँ कि ये कुछ वेलोसिटी वी, कुछ वेलोसिटी वी से ऊपर जा रहा है, यहाँ मैं मान लिया कुछ वेलोसिटी वी से ऊपर जा रहा है। तो ऑब्वियसली वी से अगर ये ऊपर जा रहा है तो वी से ही ये रस्सी आगे भी आ रही होगी, है ना। ये वी से अगर ऊपर आई तो यही तो वी से ही तो आ गई, आगे गई है कि नहीं। तो मैं क्या मान लेता हूँ, वी से ऊपर गई भैया और वी से आगे चली गई, ओके। अब क्या हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे गिवन है कि 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और यहाँ पे ये वी बी से जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो आप जिस वेलोसिटी से एक्चुअली आगे जा रहा है उसका कंपोनेंट ले लेना है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ तो सीधा दिख रहा है v बराबर कितना हो जाएगा गाइस, फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए v बराबर तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वी बी कॉस 37 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस 37 बराबर कितना, v, इसका ये वाला कॉम्पोनेंट v बराबर v।
तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, और यहाँ से मुझे पता पड़ रहा है कि वी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा वी बी इंटू कॉस 37 का इस कितना होता है। आप ट्राइंगल ये वाला ध्यान रखिए, अगर आपको वैल्यू नहीं याद रहती है, ये होता है 37 डिग्रीज, ये होता है 53 डिग्रीज, ये 3, ये 4 और ये 5 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। तो यहाँ से कॉस 37 की वैल्यू हम देख सकते हैं, कॉस 37 डिग्री है तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करने पे मुझे यहाँ से वी भी कितना मिल जाएगा गाइस, मुझे यहाँ से जो वी भी मिलेगा वो मिल जाएगा 8 × 5/4, मतलब कितना गाइस 40/4, डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे जो वी भी जा रहा होगा आगे, वी भी कितने से जा रहा होगा गाइस, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। ओके, मैंने क्या किया, ये तो जा ही रहा था, बस ये अगर ये वी से आगे जा रहा है तो ये वी भी कॉस 37 से ऊपर जा रहा होगा, है ना। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड केस पे, सेकेंड केस नहीं सॉरी गाइस, फोर्थ केस पे, सेकेंड तो कर लिया है, फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में क्या है, यहाँ पे बस एक ही एंगल दिया हुआ था, बट अब यहाँ पे हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, तो वही हमें कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो ना क्वेश्चन से डरो मत, डरो मत, एक्चुअली जो बेसिक लॉजिक है ना उसको हर जगह लगाओ, सेम लॉजिक अगर आप लॉजिक से ही लगाते हो तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, कुछ इस तरीके से पुलिस से वो बंधे हुए हैं, ये वाला वी बी से आगे जा रहा है, ये वी ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और ये एंगल 53 है, ये एंगल 37 है, तो हमें बताना है वी बी कितना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कॉम्पोनेंट लेते हैं। अब मैंने मान लिया कि यार ये वी से ऊपर जा रहा है, ये वी से नीचे जा रहा है, क्योंकि रस्सी तो एक यहाँ से यहाँ तक की जो रस्सी की लेंथ है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो जितनी से ये ऊपर जा रही होगी उतनी सी वेलोसिटी से ये नीचे आ रही होगी, तो ये हमने एक लिंक बना ली दोनों ब्लॉक के बीच में। अब क्या हो रहा है, इसका मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये जो वी बी है मेरे पास, ये वी, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, ये वी बी है, इनके भी कंपोनेंट ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं क्या कंपोनेंट लेता हूँ, अभी मैंने जैसे ऊपर लिया था वी बी कॉस 37 किया था बराबर वी रख दिया था, वही करता हूँ, वी बी कॉस 37 बराबर वी रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा वी बराबर वी बी कॉस 37 डिग्रीज, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 का कंपोनेंट लेता हूँ, 10, अब ये वाला एंगल कितना होगा गाइस, ये 53 तो ये भी 53, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो ये हो जाएगा 10 cos 53, तो यहाँ, और ये 10 cos 53 बराबर क्या हो जाएगा v, 10 cos 53 बराबर v। अब गाइस एक बार ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉम्पोनेंट कभी भी आप v का मत लीजिएगा, v का कॉम्पोनेंट हमें जो हमने माना होता है हम उसका कॉम्पोनेंट कभी नहीं लेते, जो एक्चुअली वेलोसिटी में जा रहा है हमेशा उसका कॉम्पोनेंट लेते हैं, v भी एक्चुअली वेलोसिटी होगी इसलिए उसका कॉम्पोनेंट लिया, v ये 10 मीटर पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी है इसलिए इसका कॉम्पोनेंट लिया। कभी भी आप ऐसा मत करना 10, आप कई लोग ऐसा कर देते हैं गाइस 10 को v cos 53 बराबर 10 रख देते हैं, नहीं वो गलत हो जाएगा, हमेशा क्या करना जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट आप लेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी थी vb, तो vb cos 37 बराबर v, और यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअल वेलोसिटी 10, तो 10 cos 53 बराबर v, ये मैंने कर दिया। अब मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ गाइस, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों में v आ रहा है, तो ये बराबर v और ये बराबर v, तो ये बराबर ये हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिलेगा 10 cos 53, cos 53 का इस कितना होता है, यहाँ से देख लीजिए cos 53 मेरे पास होगा, ये 53 डिग्रीज है ना, तो cos 53 होगा 3/5 × 3/5 बराबर हो जाएगा vb इंटू cos 37, cos 37 अगेन कितना 4/5, ये हो जाएगा 4/5, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, vb जो मेरे पास बचा वो कितना बचा गया, इस vb बराबर आ गया 10 से 30/4, तो इट विल बी 30/4 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू वी बी, ये मेरे पास वी बी आ गया। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 और करेंगे तो 7.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी बी कितने से जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड से ये आगे जाएगा, है ना गाइस। तो ये तो हमारे क्या होगा, जब हमारी स्ट्रिंग फिक्स्ड है और पुली भी फिक्स्ड है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कॉन्स्टेंट है और पुली फिक्स्ड है। बट अब हम आते हैं आगे वाले केसेस पे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पे जो पुली है वो मूविंग है ना, पुली जो है वो खुद भी ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पुली कैसी थी, जैसे कुएं की पुली होती ना वहीं लगी रहती है ऐसी, बट यहाँ पे अब पुली ऊपर नीचे हो रही है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इस वाले केस को देखिए गाइस, इस वाले केस में वो क्या गिवन है कि एक ए ब्लॉक है जो वेलोसिटी वी ए से ऊपर जा रहा है, एक बी ब्लॉक है जो वी बी से ऊपर जा रहा है, एक पुली है जो वी पी से ऊपर जा रही है, वी पी, पी फॉर पुली है ना, तो इसकी वेलोसिटी वी पी है। तो मुझे इन सब में एक रिलेशन क्रिएट करना है, मुझे क्या करना है गाइस, इन सब में एक रिलेशन क्रिएट करना है, मैं इसको थोड़ी मिटा देता हूँ। ओके, तो इनमें एक रिलेशन क्रिएट करता हूँ मैं, तो क्या होगा गाइस, अगर मैं मान लीजिए पुली पे बैठ जाऊँ, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे पुली पे बैठ गया, तो अब मैं पुली के रिलेटिव बात कर रहा हूँ, तो पुली के रिलेटिव मुझे क्या लगेगा,
पुली के रिलेटेड मुझे लगा कि यार ए ब्लॉक ऊपर आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली बराबर होगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब अगर ये ऊपर आएगा वी ए से तो ये उतनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, ऐसा मुझे देखने में वहाँ पे लगेगा। तो गाइज यहीं पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे का आएगा तो इसको मैं खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा गाइज वी ए माइनस वी पी बराबर माइनस वी बी प्लस वी पी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये वी पी वी पी इधर आ जाएगा और वी बी इधर चला जाएगा। तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू टू वी पी, और मैं चाहूँ तो टू को नीचे ला सकता हूँ तो टू हट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा टू यहाँ से। तो ये वी पी जो मुझे मिलता है, वेलोसिटी ऑफ जो पुली मुझे मिलेगा वाइस, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा वी ए प्लस वी बी बाई टू। आप बस ये ध्यान रखिए बहुत ध्यान से, एक्चुअली करने को तो गाइज हम फील करके भी कर सकते हैं ऊपर नीचे आ रहा है, बट मैक्सिमम टाइम ना आंसर गलत आ जाता है क्योंकि एक की या जब तक दो ब्लॉक हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा केस हो जाता है 5, 10, 15, 20 ब्लॉक लटक रहे होते हैं तो दिमाग इतना इजीली काम करता नहीं है, हम कन्फ्यूज हो गया। इसलिए अब क्या, ये मेथड याद रखिए क्या, कि जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो क्या होगी, पुली की वेलोसिटी हमेशा होगी इन दोनों की वेलोसिटी के सम का सम डिवाइडेड बाय 2 के, है ना। तो इसको अब हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं उसको रीड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन वो जो हमारे पास था वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि हमारे पास एक पुली है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये ज़मीन पे ऐसा ब्लॉक, ये एक पॉइंट लगा हुआ है ए, दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे है, है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, इस ब्लॉक को मैं मान लेता हूँ ब्लॉक बी, ठीक है। तो ये जो पुली है गाइस, ये जो पुली है ये ऊपर जा रही है वेलोसिटी ऑफ पुली विथ 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, विथ 7 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ वी भी बताना है, वी बी बताना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें जब भी आप साइन डालें गाइस तो साइन हमेशा साइन क्या डालें, जब भी वैल्यू डालें तो साइन के साथ डालिएगा। मतलब वेलोसिटी अगर आपने ऊपर वाली पॉजिटिव मानी है तो सारी ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव डाली है, नीचे वाली सारी नेगेटिव डाली है। जैसे मैं बताता हूँ आपको इस केस में क्या हुआ, ऊपर वेलोसिटी पुली 7 से जा रही है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ बस। तो क्या होगा गाइस, मुझे अभी पता पड़ा वी पी बराबर वी ए प्लस वी बी बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली है 7, अब ऊपर वाली मैंने पॉजिटिव मान ली तो प्लस 7 इक्वल्स टू वी ए, कितना है वी ए तो मूव ही नहीं हो रहा, जमीन से अटैच है तो 0, प्लस वी बी कितना है वी बी नहीं पता, वी बी को वी बी रहने देते हैं बाय 2। इसको सॉल्व करूंगा तो वी बी बराबर गाइस मेरे पास आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्वियसली ये आंसर क्योंकि प्लस में आ रहा है मतलब वी बी कहाँ जा रहा होगा, ऊपर ही जा रहा होगा। और हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, अगर एक एंड बंधा हुआ है और एक पुली ऊपर जा रही है तो ये वाला ब्लॉक भी तो ऊपर जाएगा, है ना। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, इस वाले केस पे। अब ये वाला केस आप देख के डर रहे होंगे ये क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं गाइस बहुत सिंपल है, मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से। इस केस में क्या है, हमारे पास एक पुली है, यहाँ पे एक और पुली है, यहाँ पे एक और पुली है, इस पुली में ये दो ब्लॉक हैं, इस पुली में दो ब्लॉक हैं। ये ए ब्लॉक 2 से ऊपर जा रहा है, बी 5 से नीचे आ रहा है, जो सी ब्लॉक है ये 8 से ऊपर जा रहा है, और जो डी ब्लॉक है हमें नहीं पता कि ये कैसे जा रहा है। और ये जो सबसे जो टॉप वाला ब्लॉक है ये वाला, है ना, इनको मैं मान लेता हूँ पुली के, पुली एम और पुली एन, है ना, 3 मेरे पास पुलियाँ हैं, ठीक है। और ये वाला जो ब्लॉक है मेरे पास ये ऊपर जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एम पुली, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ डी क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम कंसेप्ट फिर से लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हम के की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 बराबर के होना चाहिए, हम पुट कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ के बराबर वी ए प्लस वी बी, वी ए कितना 2 प्लस 2, अब ये प्लस वी बी, तो वी बी कितना है नीचे आ रहा है इसलिए माइनस 5 अपॉन क्या 2, ये बराबर आ गया वी के हमारे पास, है कि नहीं। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, सेम ब्लॉक में सेम इक्वेशन में इसके लिए बना देता हूँ, क्या मिलेगी मेरे को, ये वी एन पुली है तो वी एन बराबर 8 ऊपर 8 प्लस वी डी, वी डी मुझे नहीं पता है तो वी डी पुट कर देता हूँ बाय 2, ये हो गई वी एन की एक इक्वेशन, है ना। ओके एक इक्वेशन और बना सकता हूँ, अगर मैं ध्यान से देखूँ ये पुली भी तो एक टाइप से मैं ब्लॉक मान सकता हूँ, तो एक वेलोसिटी वी ऑफ के प्लस वी ऑफ एन बराबर बाई 2 बराबर होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ एम। आप इसको ऐसा केस मान सकते हैं, एक पुली 2 ब्लॉक, एक पुली 2 ब्लॉक, पुली को भी ब्लॉक मान लीजिए, तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ एम बराबर वेलोसिटी ऑफ एन प्लस वेलोसिटी ऑफ के
बाई टू। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू डाल देता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी गाइस, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ एन। कितनी है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ एन, अभी निकली नहीं, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, और वेलोसिटी ऑफ के ये भी मैं निकाल सकता हूँ बाई टू कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं पहले वैल्यू निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो वी के बराबर गाइस मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस माइनस थ्री बाई टू। ओके, वी एन कितना आ जाएगा मेरे पास, वी एन आ जाएगा एट प्लस वी डी बाई टू, तो उसको एट प्लस वी डी बाई टू ही रहने देता हूँ, है ना, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे गाइस वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो वी एम कितना गिवन है मुझे, वेलोसिटी ऑफ एम गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 क्योंकि ऊपर है तो पॉजिटिव, इक्वल्स टू वी एन, वी एन कितना है नहीं पता, उसको 8 प्लस वी डी बाई टू रख देता हूँ, वी डी बाई टू, ये बाय टू पूरे में है, प्लस वी के, वी के कितना है प्लस माइनस थ्री बाई टू, मतलब होगा तो प्लस बट जो वी के है वो खुद ही नेगेटिव है इसलिए माइनस के साथ रखा। अब बाय टू, बाय टू, तो गाइस इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये जो टू होगा ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये हो जाएगा 10, है ना, इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3/2 इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल मुझे यहाँ से सॉल्व करने पे मिलेगा 8 प्लस वी डी बाय टू इक्वल्स टू कितना 10 प्लस 3/2, मतलब कितना 10 प्लस 3/2 करूँगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3/2, मतलब इट विल बी 23/2। तो ये 2 से 2 गाइस क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो मेरे पास वी डी आया वो कितना आ गया गाइस, वी डी विल बी इक्वल्स टू 23 माइनस 8, 23 माइनस 8, है ना, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, इट विल बी 15, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी ऑफ डी आ गई कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी गाइस, है कि नहीं। लास्ट केस जो हमारे पास है, एक केस और होता है इसमें, वो मैं आपको, आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट केस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके गाइस, तो ये जो लास्ट केस है इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहाँ से स्ट्रिंग चालू हुई है, ये लटक लटकता है, पहली पुली आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर सी है, हमें गिवन है जो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक है ये 5 से नीचे जा रहा है, बी भी 2 से नीचे जा रहा है, जो सी है उसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे यार, ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया, इसमें तो हम ऐसा कुछ लॉजिक भी नहीं लगा सकते, तो देखिए इसकी एक अलग लॉजिक होती है, मैं आपको सिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो जो फिक्स्ड पॉइंट आपको गिवन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिसमें अगर आपको जो फिक्स्ड पॉइंट गिवन हो उनको मार्क कर लीजिए। तो फिक्स्ड पॉइंट कहाँ कहाँ है, सबसे पहले तो ये पॉइंट है, इसको मार्क कर लेता हूँ ए, उसके बाद है यहाँ पे ये है बी, उसके बाद यहाँ पे ये है सी, इसके बाद ये है डी, फिर ये है ई, क्योंकि ये पुली से कनेक्टेड है, पुली दीवार से कनेक्टेड है, मूव होंगे ही नहीं, ये क्या है एफ, ये क्या है जी, है ना, ये क्या है ई एफ जी एच, ये है आई और ये है जे, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, है कि नहीं। अब आपको फिर क्या करना है, फिक्स्ड पॉइंट आपने मूव कर लिए, सबसे पहले तो सब, फिर उसके बाद सबसे लंबी रस्सी सिलेक्ट करिए, जो आपको पूरे सिस्टम में सबसे लंबी रस्सी दिख है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऑब्वियसली इसमें तो रस्सी ही एक है, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना, सबसे पहले आपको सबसे लंबी रस्सी सिलेक्ट करनी है, तो एक ही रस्सी थी इसमें, तो उसके बाद आपको फिक्स्ड पॉइंट सारे मार्क कर लेने हैं, तो एक रस्सी थी वही हमने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट थे वो हमने मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमको एक चीज़ तो पता है, एक चीज़ तो हमको पता है क्या, कि अगर रस्सी एक है तो अभी हमने अजम्पशन माना था कि रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ती, तो पूरी की पूरी रस्सी की लेंथ कॉन्स्टेंट होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ गाइस लेंथ ऑफ रस्सी, लेंथ ऑफ रस्सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, तो लेंथ ऑफ रस्सी कॉन्स्टेंट है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी प्लस वेलोसिटी ऑफ ई प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ प्लस वेलोसिटी ऑफ जी प्लस वेलोसिटी ऑफ एच प्लस वेलोसिटी ऑफ आई एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ जे, गाइस ये जो पूरी चीज़ होगी ये भी तो कांस्टेंट रहेगी, जीरो है कि नहीं। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो लेंथ को मैं क्या कर लेता हूँ गाइस, डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएट करने मुझे मिलेगी वेलोसिटी, तो यहाँ से मुझे मिल गई वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल पॉइंट्स की वेलोसिटी लिख दी है, और ये जो पूरी होगी ओवरऑल ये जो इनका सम होगा गाइस वो कांस्टेंट के डिफरेंशिएट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, है कि नहीं, ये मेरे को यहाँ पे पता चल गई। और अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ और दिख रही है कि यार ये जो पॉइंट है मेरे पास कौन कौन सा पॉइंट है, ए डी ई एच और आई, है ना, जो ऊपर वाले पॉइंट्स है गाइस ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड पॉइंट है, तो अगर पॉइंट फिक्स्ड ही है तो उसकी तो कोई वेलोसिटी हुई नहीं ना, तो यहाँ पे जो मेनली दिख रहा है गाइस ए डी ई ए डी ई एच और आई,
एच और आई, तो ये तो क्या होगा गाइस, सीधे जीरो हो गए, ये तो सीधे जीरो हो गए क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है। तो मुझे, मेरे पास क्या बचा गाइस, वी बी प्लस वी सी प्लस वी एफ प्लस वी जी प्लस वी जे इक्वल्स टू जीरो है ना। और मुझे एक चीज और पता है गाइस कि अगर ये पास से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक अगर पास से नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली बी और सी भी पास से नीचे जा रहे होंगे। अगर बी ब्लॉक दो से नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक इससे कनेक्टेड है पुली से, तो ब्लॉक दो से नीचे जा रहा है तो पुली भी दो से नीचे जा रही है। आप ये वाला केस याद रखिए, अगर ये दो से आगे जा रहा है तो ये भी दो से आगे जा रहा है। सेम केस में अगर ये दो से नीचे आ रहा है तो पुली भी दो से नीचे आ रही है, तो ये दोनों पॉइंट भी दो से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला गाइस कि वी बी और वी सी दोनों कितने हैं, पाँच पाँच। तो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5 + 5 प्लस वी एफ और वी जी, दोनों की दोनों कितने हैं, ये जी है एक्चुअली, वी एफ और वी जी दोनों कितने हैं, दो। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 2 + 2 प्लस वी जे मुझे निकाल नहीं पता, तो वी जे इक्वल्स टू जीरो। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना जाएगा, 5 10 और ये 4, तो ये हो जाएगा गाइस 14 प्लस वी जे बराबर जीरो। तो वी जे बराबर कितना आ जाएगा, वी जे बराबर हो जाएगा गाइस -14 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो वी जे की स्पीड होगी वही तो वी सी की स्पीड होगी, क्योंकि जे पॉइंट जे और पॉइंट सी कनेक्टेड है। तो गाइस मुझे इनडायरेक्ट वी सी की जो वेलोसिटी है वो कितनी मिल गई, -14 मीटर पर सेकेंड। अब ये -14 आई है, मतलब गाइस ब्लॉक कहाँ जा रहा होगा, ये नीचे वाली मैंने पॉजिटिव मानी थी तो अब ये नेगेटिव आई है, मतलब ब्लॉक जा रहा होगा ऊपर विथ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड है ना। अगर मैंने ऊपर बना दिया तो साइन की फिर जरूरत नहीं है। तो गाइस ये थे मैक्सिमम मैंने टाइप कवर करने की कोशिश की कंस्ट्रेंट मोशन की, कि यार फिक्स लेंथ अलग अलग केसेस आए तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, ऐसे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ जो आपके एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको कोई और क्वेरी या फिर डाउट है तो आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।